दोस्तों, सी लैंग्वेज के थर्ड पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ऑल सी प्रोग्राम हैव टू फॉलो बेसिक स्ट्रक्चर। अ सी प्रोग्राम स्टार्ट विद अ मेन फंक्शन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन हैज परसेंट इनसाइड इट। ईच इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। ऑल सेंटेंस सी प्रोग्राम में जो भी सेंटेंस है उसका अंत सेमीकोलन से होगा। देर आर सम बेसिक रूल ऑफ आर एप्लीकेबल इन सी प्रोग्राम। फर्स्ट, एवरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। सेकंड, ऑल द स्टेटमेंट आर टर्मिनेटेड विथ अ सेमीकोलन। थर्ड रूल, इंस्ट्रक्शन आर केस सेंसिटिव। फोर्थ रूल, इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। हमारे प्रोग्राम में जो कमेंट होती है वो ऐसे लिखी जाती है। कमेंट्स आर यूज टू क्लेरिफाई समथिंग अबाउट प्रोग्राम इन अ प्लेन लैंग्वेज। इट इज अ वे ऑफ अस टू एंड Add notes our program. There are two types of comments in C. First, single line comments. Second, multi line comments. Comments in a C program are not executed and ignored. Compilation execution. Compilation में पहले हमारी first.c नाम की फाइल बनती है, उसको कंपाइल करते वो फाइल GCC कंपाइलर में जाती है, वहां से एग्जीक्यूट करने क्लिक करके वो फाइल first.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। और कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज सो डेट इट्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड द कंप्यूटर। अ प्रोग्राम रिटन इन अ प्लेन स्टैक टेक्स्ट, दिस प्लेन टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन in a particular sequence. The compiler performs some basic check and finally convert program into a executable. अब हम देखेंगे library functions. C language has to lot of valuable library function which is used to carry out certain task. For instance, printf function is used to print value on screen. This printf function used to any sentence to print. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे printf function के दो काउंस दो कोमा, उसके अंदर जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और ए person d वो इंटीजर के लिए है, और पर्सन एफ है वो रियल वैल्यू के लिए, और पर्सन सी कैरेक्टर के लिए है, और एक दूसरा है पर्सन एस वो स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग के लिए है। उसके बाद कोमा करके हमारे वेरिएबल जो प्रिंट कराना है उसका नाम लिख देना। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल, वो तो हमने पहले देखा था, पर फिर भी इंटीजर वेरिएबल, रियल वेरिएबल एंड कैरेक्टर वेरिएबल। रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट, इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर असाइन इट्स टू अ वेरिएबल वी यूज scanf फंक्शन। आपको यूजर के पास से इनपुट लेना हो तो आपको scanf फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। द सेंटेक्स ऑफ scanf फंक्शन, देखिए आप देख सकते हैं scanf फंक्शन का सेंटेंस है वो printf जैसा ही है, पर हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करते वक्त इसका उपयोग करना एंड का उपयोग करना पड़ेगा। एंड इज अ एड्रेस, एंड लिख के हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का एड्रेस, एंड मीन्स दैट द सप्लाइड वैल्यू should be copied to the address within indented by variable of I. Thank you दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे next.